भारत देश धर्म प्रधान देश है, जहाँ पर विभिन्न महान पुरुषों का अवतार हुआ है, ऋषि मुनियों का अवतार हुआ है, साधु संतों का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण का भी भारतवासियों के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी भादव महीने में हुआ था और जो अष्टमी इस वर्ष 12 अगस्त को आ रही है, यानी 12 अगस्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिन के उपलक्ष्य में, अवतार दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण हिंदू भाई बहनों के घर घर में मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण राजा कंस के भांजे थे और देवकी और वासुदेव के पुत्र थे। उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया था। भगवान कृष्ण ने आततायी राजाओं को, अनाचार दुराचार फैलाने वालों को ज्ञान देकर, समझा बुझाकर, मार पीट कर सुधारा था। अपने मामा कंस का वध भी किया था, अनेक राक्षसों का वध किया था, अपने नाना उग्रसेन को जेल से छुड़ाया था, अपने जननी जनक देवकी और वासुदेव को भी जेल से मुक्त किया था कारागृह से। श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ था, मथुरा की जेल में। जिस देश का भगवान भी जेल में जन्म ले, बड़े आश्चर्य की बात है। जेल के सब दरवाजे खुल गए, गेट खुल गए, भगवान कृष्ण रातों रात वासुदेव के कंधे पर बैठकर यमुना पार करके नंद बाबा यशोदा माँ के घर पहुँच गए। वहीं पर उनका लालन पालन हुआ। मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, ये सब जिले ब्रजवासियों के जिले हैं और ब्रजवासियों की भूमि। आज भी वहाँ कृष्ण के प्रेम का एहसास होता है, गोपी ग्वालों के प्रेम का एहसास होता है। मैं वहाँ पर प्रवचन करने गया हूँ, वहाँ लोगों की बोली भाषा ऐसे बोलते हैं, तुम तो यहीं बैठे रहियो और मैं आता हूँ। अब मैं उनकी भाषा पूरी बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन प्रेम रस में डूबी हुई भाषा है। और मथुरावासियों का, ब्रजवासियों का भाव वही दिखाई देता है जो गोपी ग्वालाओं का भाव श्री कृष्ण के प्रति था। मथुरा नगरी में सभी नर नारी, वहाँ पर राधा जी का भी बहुत महत्व है, राधे राधे बोलते हैं। किसी को नमस्कार करना हो, राधे राधे कहते हैं। और पूरे भारत देश में क्या, विदेशों में भी कितने लोग प्रणाम करने के समय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण का नाम लेकर के एक दूसरे को अभिवादन करते हैं।
कृष्ण भगवान बहुत प्रभावशाली थे, अत्यधिक बुद्धिमान थे, स्मरण शक्ति उनकी बहुत तीव्र थी, बहुत बड़े विद्वान भी थे, महान थे, साहसी थे, गुणवान थे, सहनशील थे, संघर्षशील थे, और जिसको अपना मान लेते थे उसको तारते थे, उसका उद्धार करते थे। श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्तित्व का नाम नहीं है। कृष्ण का अर्थ होता है, कृष्ण माने कर्षण, कर्षण माने आकर्षण, आकर्षण माने अट्रैक्शन, अट्रैक्शन माने खिंचाव, खिंचाव माने खींचना। जो दूसरों को अपनी ओर खींचता था, आकर्षित कर लेता था, और आकर्षित करके धर्म भक्ति के पथ पर चलना सिखा देता था, अधर्म से ऊपर उठा लेता था, अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु संत सज्जनों को शांति प्रदान करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भारत भूमि में मथुरा नगरी में अवतार लिया था और पूरे विश्व को अपना संदेश दिया था। कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाई जाएगी। ऐसे कुछ विद्वानों के अनुसार 11 अगस्त को भी रोहिणी नक्षत्र और ऐसा कुछ आता है, लेकिन मुख्य रूप से 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। धूमधाम से अपने घर में सभी लोग जन्माष्टमी मनाएंगे, कृष्ण के मंदिरों में जन्माष्टमी मनाएंगे। कृष्ण भगवान दही खाते थे, दही उनको बहुत प्रिय था, तो आप भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दही खा सकते हैं। दही आपको सूट ना करे तो दही का रायता बनाकर खा सकते हैं, और वो सूट ना करे तो दही का छाछ बनाकर पी सकते हैं। लेकिन उस दिन दही का प्रयोग कीजिए, कृष्ण भगवान की याद कीजिए, उनके गीता का अखंड पाठ कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन श्रवण कीजिए, और उनकी कथा भी आप करा सकते हैं। इसी श्रृंखला में भारत देश में संत कबीर जैसे महान संतों का भी अवतार हुआ, विवेकानंद का अवतार हुआ, महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ, भगवान श्री राम का अवतार हुआ, तुलसीदास जैसे विद्वान मानस के लेखक का अवतार हुआ। और मैं तो ये कहूँगा, कभी कभी भगवान या भगवत सत्ता या परम सत्ता अवतार लेकर के गृहस्थ के घर में भी आती है, और कभी कभी संत के रूप में, ऋषि मुनि के रूप में, और धर्म की रक्षा करना ही उनका परम ध्येय होता है। तो भगवान श्री कृष्ण महान व्यक्तित्व के धनी थे, मैं उनको नमन करता हूँ, साहिब बंदगी करता हूँ, और भगवान श्री कृष्ण की गीता का पाठ करने के लिए आपका आवाहन करता हूँ। आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरी गीता का पाठ करिए। 700 श्लोक हैं, बहुत बड़ी गीता नहीं है, आप उसको पाठ कर सकते हैं, और नहीं अगर पूरा पाठ कर सकते हैं तो हर अध्याय का एक एक श्लोक पाठ कर लीजिए। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अष्टमी है तो 8 श्लोक पाठ करके फिर दही का भोग लगा लीजिए और कृष्ण भगवान का ध्यान कर लीजिए, और कृष्ण भगवान के बताए हुए सतमार्ग पर चलने का संकल्प लीजिए, और उनके पदचिन्हों पर भी चलिए, और साथ साथ में कृष्ण भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करिए। ढोंग ढकोसला आडंबर मत फैलाइए। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण गीता में कहीं ढोंग ढकोसला आडंबर की बात ही नहीं आई है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आत्मज्ञान की सब बातें आई हैं। वही आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए। ममेवांश जीवलोके जीवभूता सनातनः, ये सभी श्लोकों पर ध्यान दीजिए। मैं पुनः समस्त कृष्ण भक्तों को शुभकामना करता हूँ, कृष्ण भक्तों को साहिब बंदगी नमन प्रणाम करता हूँ, और राम भक्त, कृष्ण भक्त, कबीर भक्त, भक्त भक्त सब एक ही प्रकार के भक्त हैं। भक्त में क्या अंतर है, सब भक्ति है, श्रद्धा है। तो सभी भक्तों को शुभकामना करते हुए अपने सत्संग को विराम देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक सुनाता हूँ कि भक्ति कैसे की जाती है। अनपेक्षा सुचि दच्छा उदासीनो गतव्यथा शर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्ता शमे प्रियः। कृष्ण कहते हैं जो भक्त अपेक्षा रहित है, हमसे कुछ नहीं चाहता है, उसको मैं प्रेम करता हूँ। सुचि जो अंदर बाहर से पवित्र है, दच्छा जो प्रवीण है, कुशल है,
भक्ति करने में चतुर है उसको मैं प्रेम करता हूँ। उदासीनों और जो पक्षपात रहित है, किसी के पक्षपात में नहीं पड़ता है, निष्पक्ष है, स्वच्छ है, अपने लक्ष्य में दक्ष है और विशेष उपलक्ष्य के लिए जिंदगी जी रहा है उसको मैं प्रेम करता हूँ। उदासीनों गतव्यथा, और जो व्यथा आने पर, दुख आने पर भी दुखी नहीं होता, व्यथित नहीं होता है, उन दुखों को साइड कर देता, भुला देता है। गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी, प्रत्येक कार्य को आरंभ करने का अभिमान नहीं करता है कि मैंने किया है, मैंने किया है, ऐसे घमंड में नहीं बोलता, ऐसा बोलता सबके सहयोग से कार्य हुआ है। यो मद भक्ता समी प्रिया, ऐसे भक्त को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, वो मेरे प्रिय भक्त होते हैं। ऐसे कृष्ण के तुम प्रिय भक्त बनो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका सुधार हो, सबका बेड़ा पार हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और एक भजन छोटा सा सुनाता हूँ। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को, छोटा प्रसंग है, भेजा था गोकुल में कि जाओ वहाँ गोपी ग्वालों को समझा देना, वे दुखी ना हो मेरे वियोग में और प्रेम से रहें, भक्ति करें। तो जब उद्धव समझाने के लिए गए तो उद्धव से गोपी ग्वाल बहुत प्रेम से मिलते हैं। उद्धव कहते हैं, कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। ये बात सुनते ही सब अपना अपना काम छोड़ करके, घर छोड़ करके उद्धव के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं कि कृष्ण का संदेश लेकर आप आए हो। अरे बैठो बैठो उद्धव, बताओ कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है। तो उन्होंने बताया कि कृष्ण भगवान ने कहा है, आप यहीं रह करके भक्ति करो, वियोग में दुखी न हो और वैराग्य करो। तो गोपियों ने कहा, ग्वालों ने कहा, उद्धव मन न भय दस बीस, मन दस बीस नहीं होते हैं, एक मन था वो कृष्ण की भक्ति में लग गया, अब वैराग्य किस मन से हम करें, ये फालतू बात मत बताओ, कृष्ण भगवान के दर्शन कराओ, उनसे मिला दो एक बार। तब उन्होंने गाया क्या, मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे, रो रो कर गाया। और उद्धव को सुनाया कि तुम्हारा भी हम गुणगान करेंगे अगर एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करा दोगे, उनसे भेंट करा दोगे तो आपका हम गुणगान करेंगे। मिला देश श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गए गोकुल से जब से ओ, नहीं वापस यहाँ आए। गए गोकुल से जब से ओ, नहीं वापस यहाँ आए, नहीं वापस यहाँ आए, नहीं वापस यहाँ आए। खता क्या हो गई हमसे, हाथ जोड़ के भाव से खता हो जाती ना, खता माने गलती हो सकती है, हाथ जोड़ लो नम्रता। खता क्या हो गई हमसे, अरजे अपनी सुनाएंगे, अरजे अपनी सुनाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। चरण में शीश धर धर के, अरज अपनी सुनाएंगे, अरज अपनी सुनाएंगे। हे उद्धव, तुम्हारा गुणगान हम करेंगे, मुझे बताओ कृष्ण कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। उद्धव भी रोने लग जाते हैं,
गोपी वाल सब रोते हैं, कृष्ण तो मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान वही है जो एक बार त्याग कर देता है दोबारा उसको फिर ग्रहण नहीं करता है, और भगवान वही है जो किसी के मोह में नहीं पड़ता है, वो सबको तारने के लिए आता है। अगर एक के मोह में फंस गया तो संसारी है, साधारण इंसान है, जो सबके मोह के धागों को तोड़ करके और सबका कल्याण करता है, उसी को कृष्ण भगवान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाइए, जिस तरीके से मनाई जाती उस तरीके से मनाइए, भाव से मनाइए, अधिक भीड़ भाड़ इकट्ठी मत करिए, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। नियम का पालन करिए, फिजिकल डिस्टेंस एंड सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए और परस्पर प्रेम से रहिए। कृष्ण यानी प्रेम, आप भी अपने घर में प्रेम से रहो, अनुराग से रहो, अपनी धर्मपत्नी में गोपी का दर्शन करो, अपने भाइयों में ग्वाल बाल का दर्शन करो, मित्रों में ग्वाल बाल का दर्शन करो, और साथ में नारियों में राधा रानी का दर्शन करो, और कृष्ण भगवान के रूप में सबके अंदर दर्शन करो। आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।